छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने 30 प्रत्याशियों के नामों के साथ साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव आदि के नाम शामिल है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 6 विधायकों के नाम काट दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पंडरिया से ममता चंद्राकर की टिकट काट दी है, तो वहीं नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे, कांकेर से शिशुपाल सोरी, वहीं चित्रकूट से राजमन बेजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाथ की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी है, तो वहीं खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काट दी गई है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी है। बता दें कि पंडरिया से ममता चंद्राकर की जगह कांग्रेस पार्टी ने नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया है और नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे की जगह गुरु रुद्र कुमार को टिकट दिया है, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांकेर से शिशुपाल सोरी की जगह शंकर ध्रुव को मैदान में उतारा है, तो वहीं चित्रकूट से राजमन बेजाम की जगह कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच को टिकट दिया गया है। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा की जगह छविंद्र महेंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। अंतागढ़ से अनूप नाग की जगह रूप सिंह पोटाई, खुज्जी से छन्नी साहू की जगह भोला राम साहू को टिकट दिया गया है। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल की जगह हर्षिता बघेल को टिकट दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन विधायकों का टिकट काटना कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगा या नहीं? छत्तीसगढ़ 2023 के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, कांग्रेस या भाजपा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।